हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द वेरियस लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें फर्स्ट बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग, सेकेंड लेवल कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग और थर्ड कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग। इन सब लेवल्स को हम आज यहाँ वीडियो में आपको डिटेल से डिस्क्राइब बताएंगे और आप यहाँ से अपने नर्सिंग फाउंडेशन के नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग ईयर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कॉम्पिटेंसीज ऑफ क्रिटिकल थिंकर, एटीट्यूड्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज हम यहाँ पर लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट्स लेवल को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग और सेकंड कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग। एयर फर्स्ट देखते हैं बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग। इन बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग हेयर द लर्नर इज स्टिल ट्रस्टिंग दैट एक्सपर्ट हैव द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम एंड सिचुएशंस। मीन्स इसके अंदर जो लर्नर है, मीन्स सीखने वाला, वो ट्रस्ट करता है एक्सपर्ट पर। मीन्स जिसको नॉलेज है और वो सोचता है कि जो भी उसका प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसका जो एक्सपर्ट है आसानी से जवाब दे सकता है। नेक्स्ट, थिंकिंग इज कॉन्क्रीट एंड बेस्ड ऑन बुक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, पॉलिसीज, वाट एवर दैट कैन रीड और हियर अबाउट, लॉट्स ऑफ फॉलोइंग द स्टेप्स बाय स्टेप डूइंग बैड बात। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एयर नॉलेज, ऑल नॉलेज और कॉन्क्रीट मीन्स बेस्ड ऑन द बुक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, पॉलिसीज। मीन्स इस तरह की क्रिटिकल थिंग में जो भी नॉलेज है वो पर्सन, बुक्स से, और जो भी पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, उनसे ये लर्न करता है। इन दिस यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि डूइंग बैड बात। इन दिस कंडीशन द पर्सन फॉलो द डिफरेंट स्टेप different steps of the steps of the bad path by using the different kinds of books. Next, at this point there is very limited ability to think. Critical resources include instructions, book and other nurses. Here in critical thinking, जो critical thinker है वो follow करता है जो भी instructions है उसके senior के एयर और बुक्स के इंस्ट्रक्शन को। तो इस तरह से ये क्रिटिकल थिंकिंग कंप्लीट हुई। तो ये था फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर जो जो क्रिटिकल थिंकर है बेस्ड ऑन बुक्स, प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट ऑन द इंस्ट्रक्टर्स एंड फॉलो दियर रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो दिस इज़ बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट ईयर सेकेंड लेवल इज कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग। ईयर एज पीपल ग्रो एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट थिंकर द लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग विल ग्रो। मीन्स जैसे ही व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है बढ़ता जाता है, ग्रो करता है, तो इसके साथ साथ उसका थिंकिंग भी इंडिपेंडेंट होने लग जाए। नेक्स्ट, स्लोली विल रिले लेस एंड लेस ऑन देयर रिसोर्सेज पीपल एंड थिंक बिफोर आस्किंग देम कम अप विद द आंसर देमसेल्फ्स। मीन्स कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो व्यक्ति होता है वो जो अभी तक जो बुक्स पर, इंस्ट्रक्टर पर, अपने सीनियर्स पर जो
उनके इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो कर रहा था, बट इन कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग उसका इनसे धीरे धीरे एक तरह से भरोसा हट जाता है और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग पेज को फॉलो करता है और वो खुद भी सोचता है, मीन्स बिफोर डूइंग एनी प्रोसेस एंड इन दिस कंडीशन ही इंडिपेंडेंटली थिंक अबाउट द एनी डूइंग वर्क और प्रोसीजर्स. नेक्स्ट, एज ग्रोकर देयर इज ए रियलाइजेशन दैट देयर कैन बी मोर देन वन अल्टरनेटिव एंड परहैप्स सॉल्यूशंस इन दिस केस. मीन्स जैसे अभी बताया था कि जैसे जैसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस ग्रोथ है इस कंडीशंस में, जब वो कोई भी एक्टिविटी करता है तो इस कंडीशन में वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशन के बारे में भी सोचता है. यार नेक्स्ट, इनर्स बींग टू थिंक मोर इन मोर कॉम्प्लेक्स वे, दे लुक एट प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी मोर एंगल एंड स्टार्ट वेइंग द रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऑफ ईच डिसीजन सॉल्यूशन. दे स्टार्ट डेवलपिंग द एबिलिटी टू क्रिएटिव और टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. मीन्स और इसके साथ साथ जो नर्स क्रिटिकल थिंकर है वो एक कॉम्प्लेक्स वे में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को खोजता है, सीख करता है और एक डिफरेंट वे में जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है. तो यहाँ पर जो नर्स का एबिलिटी होता है वो एक क्रिएटिव एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मीन्स एक अपने अलग से सोच और थिंकिंग को ये दर्शाता है. तो ये था हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग. नंबर नेक्स्ट, कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग. ये क्रिटिकल थिंकिंग का थर्ड लेवल. यहाँ पर द नर्स स्टार्ट एंटिसिपेट पेशेंट्स नीड इंडिपेंडेंटली. मीन्स जो अब तक जो पर्सन अपने सीनियर्स पे, बुक्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे बेचता, वो अब अपने जो थिंकिंग के इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग करता है यहाँ पर, और पहले से ही पेशेंट की कंडीशन के बारे में एंटिसिपेट करता है. मीन्स पहले से उसको अनुमान लगाना आ जाता है कि क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, उसको कहते हैं एंटिसिपेटिंग. एक बार फिर देखते हैं, कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग. द नर्स स्टार्ट एंटिसिपेटिंग पेशेंट्स नीड इंडिपेंडेंटली. मीन्स पेशेंट की नीड्स का एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना. एट दिस लेवल द नर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव्स एंड द स्टैंड बाई द डिसीजन. मीन्स इन दिस कंडीशन व्हेन ही एंटिसिपेट डिसीजन एंड स्टैंड बाई वन वन डिसीजन अमंग द वेरी अल्टरनेटिव डिसीजन. मीन्स जब वो थिंकिंग करता है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचता है और किसी बेस्ट अल्टरनेटिव डिसीजन को वो फॉलो करता है. द नर्स एज्यूम अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन एंड एवेल्यूएट दैट डिसीजन. नर्स इसके साथ साथ जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है. वो जो भी डिसीजन लेता है इसके साथ, और वो अपने डिसीजन को एक तरह से एवेल्यूएट करता है कि ये डिसीजन पेशेंट के लिए अच्छा है. तो ये था कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग. फ्रेंड्स, ये थे आज का लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके अंदर हमने डिफरेंट लेवल को लर्न किया, जिसमें बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड थर्ड कमिटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट, और इसको हमने द नर्सिंग प्रोसेस यूनिट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग टॉपिक ऑन नर्सिंग, द नर्सिंग प्रोसेस यूनिट्स. तो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड
share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anna Nursing File here, preparation for nursing competition examination. So please subscribe this channel, jinhone abhi tak subscribe nahi kiya, and press bell icon also. Thank you.